अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलहा और आप देख रहे हैं बोलो पाकिस्तान। दोस्तों, आपने दुनिया के 12 सिटी के बारे में सुना होगा जहां बिल्डिंग के जाल बिछे होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 अमीर तीन शहरों के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलें शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर 10 पे आता है शंघाई शहर। शंघाई शहर चाइना में मौजूद है। शंघाई शहर चाइना का पहला और दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है और इसकी आबादी 2,41,00,000 से ज़्यादा है और ये चाइना का सबसे बड़ा कमर्शियल हब भी है। किसी दौर में ये एक छोटा सा गांव होता था जहां लोग मछलियों का शिकार करने जाया करते थे, लेकिन आज ये दुनिया के अमीर तीन शहरों में से एक है। अगर इसकी जीडीपी की बात की जाए तो शंघाई शहर की जीडीपी 516 मिलियन डॉलर से भी बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। नंबर नौ पर मॉस्को शहर आता है। मॉस्को शहर रशिया का कैपिटल और आबादी के लिहाज से रशिया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 1,15,00,000 से ज़्यादा है। इस शहर को 1740 को एस्टेब्लिश किया गया था। मॉस्को शहर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 1% है। मॉस्को की जीडीपी 520 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। नंबर आठ पर शिकागो शहर आता है। शिकागो शहर अमेरिका में मौजूद है और अमेरिका का तीसरा बड़ा शहर है। इसकी आबादी 27,00,000 से ज़्यादा है। इस शहर को 4 मार्च 1837 को एस्टेब्लिश किया गया और शिकागो शहर की जीडीपी 524 बिलियन डॉलर के लगभग है। नंबर सात पर ओसाका शहर आता है। ओसाका शहर जापान का एक अहम और तारीखी शहर है और इस शहर को 1603 में एस्टेब्लिश किया गया और इसकी आबादी 15,00,000 से ज़्यादा है। ये शहर जापान के अंदर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ओसाका शहर की जीडीपी 655 बिलियन डॉलर के लगभग है। नंबर छः पर पेरिस शहर आता है। पेरिस दुनिया के मशहूर तीन शहरों में से एक शहर है। ये शहर फ्रांस में मौजूद है। इस शहर में रोमन एम्पायर के दौर में सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी गईं। पेरिस शहर को रोमांस ऑफ सिटी भी कहा जाता है और इसकी आबादी 1,00,00,000 के लगभग है। पेरिस शहर की जीडीपी की बात की जाए तो इसकी जीडीपी 670 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। नंबर पाँच पर लंदन शहर आता है। लंदन शहर यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड दोनों का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। यह दुनिया का खूबसूरत तीन शहरों में से एक है और इसकी आबादी 90,00,000 से ज़्यादा है। यूनाइटेड किंगडम के जीडीपी का 30% हिस्सा इससे हासिल किया जाता है और यह शहर दुनिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। लंदन की जीडीपी 735 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। नंबर चार पर सोइल शहर आता है। सोइल साउथ कोरिया का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के अंदर साउथ कोरिया की आधी से ज़्यादा आबादी बसती है। इस शहर की आबादी तकरीबन 99,00,000 से ज़्यादा है और यह दुनिया का चौथा अमीर तीन शहर है। इस शहर की जीडीपी 785 बिलियन डॉलर है। नंबर तीन पर लॉस एंजलस शहर आता है और इस शहर की आबादी 40,00,000 से भी ज़्यादा है। इस शहर को सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। इस शहर की जीडीपी 792 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। नंबर दो पर न्यूयॉर्क शहर आता है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है जिसकी आबादी 87,00,000 से भी ज़्यादा है। न्यूयॉर्क दुनिया का मशहूर तरीन और ग्लोबल पावर सिटी भी है जहां 800 से ज़्यादा जबानें बोली जाती हैं जिसकी जीडीपी 1212 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। और नंबर एक पर टोक्यो शहर आता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है। टोक्यो शहर जापान का कैपिटल है। इसकी आबादी 1,40,00,000 से ज़्यादा है। एक दौर में ये एक छोटा सा मछलियां पकड़ने वाला गांव होता था, लेकिन ये आज दुनिया का अमीर तीन शहर है। 1923 में इस शहर में बहुत बुरा जलजला आया था और यह शहर बुरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन इसको दोबारा एस्टेब्लिश किया गया और आज ये दुनिया का अमीर तीन शहर है। टोक्यो शहर की जीडीपी की बात की जाए तो इसकी जीडीपी 1522 बिलियन डॉलर के लगभग है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बोलो पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।